नमस्कार, मैं हूं जयश्री। पत्रिका टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम शी लीड्स फैमिली शो में हम आपको मिलवाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम कर रही हस्तियों से। आज फैमिली शो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक छोटी सी बच्ची से जो अभी 11th क्लास में पढ़ रही है, लेकिन इतनी कम उम्र में ही राइटर बन चुकी है। इस बच्ची का नाम है देवांशी पांडे। देवांशी की बुक को कुछ समय पूर्व दिल्ली में आयोजित किए गए वर्ल्ड बुक फेयर में रिलीज किया गया था और इसे अब काफी सराहना मिल रही है। देवांशी से बात की मेरी सहयोगी राखी ने, तो चलिए रुक करते हैं इस बातचीत की ओर। श्री फैमिली शो में हर बार की तरह एक बार फिर हाजिर एक नई शख्सियत के साथ। आज जो हमारे साथ शख्सियत है, बेहद छोटी है उम्र में लेकिन काफी टैलेंटेड। इनकी बुक कुछ समय पूर्व ही दिल्ली में हुए वर्ल्ड बुक फेयर में रिलीज हुई है, तो खास मुलाकात करेंगे हम देवांशी पांडे के साथ। देवांशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका स्टूडियो में। आप कितनी छोटी उम्र है आपकी, बहुत कम आपकी एज है, आपकी बुक भी पब्लिश हो चुकी है और वर्ल्ड बुक फेयर में आपकी बुक रिलीज हुई। इस बुक के बारे में सबसे पहले मैं एक बुक के बारे में जानना चाहूंगी, बुक का नाम क्या है, क्या है बुक की स्टोरी, स्टोरी बेस्ड है या पोएम है, क्या है? ये नॉवल है, इट्स नेम इज अ ड्रीम्स ऑफ अ क्लाउडलेस स्काई। ओके, इट्स अ फिक्शन बट रियलिस्टिक फिक्शन बुक। ओके, तो इट्स अ टीम बुक, मेरी उम्र के बच्चों पे है। ये एक ऐसी बच्ची के बारे में है, शी गेट्स अ लेटर, तो मिस्टीरियस सॉर्ट ऑफ है, सॉर्ट ऑफ अ मिस्ट्री। तो उसे एक लेटर मिलता है, उसको एंग्जाइटी इश्यूज होता है बट वो लेटर पे उसे कुछ ट्रेल फॉलो करना होता है एंड दैट ट्रेल इज अ सीक्रेट। सो आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ट्रेल फॉलो करती है और कैसे उसकी लाइफ बदल जाती है। ये बुक लिखने का आइडिया जो था कहाँ से आया आपके, वो बचपन से आपको, वैसे तो बहुत ही छोटी थी, तो लिखने का शौक जो आपको, तो वो कब से हुआ? Grade 3 के आसपास, तो grade 3 grade 4 के आसपास से मैंने हिंदी पोएम लिखना स्टार्ट की थी। ओके, और धीरे धीरे इंग्लिश पे स्विच हो गया। तो आप मतलब थर्ड स्टैंडर्ड में थी तब से आप लिख रही हैं, अभी आप 11th में स्टैंडर्ड में, तो ये क्या कहीं से आपके घर में किसी को लिखने का शौक है या सिर्फ आप ही हैं ऐसी जिनको राइटिंग का शौक रहा है? मेरे डैड हैं, वो हिंदी पोएट है, ही इज अ पब्लिश्ड ऑथर। ओके, और उनकी पोएम्स प्रिंट हो चुकी है बट वो हिंदी में लिखता है, मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। एंड मेरी बीजी भी अपने टाइम में कुछ लिखा करती थी जी, नॉट ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म बट ऐसे अपने शौक के लिए। अच्छा, इस बुक की मैं बात करूँ आपकी, तो वर्ल्ड बुक फेयर में आपकी बुक रिलीज हुई है, आपने सोचा था जब आप लिखना आपने स्टार्ट किया था कि आपकी बुक को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, इस लेवल पे जाके बुक रिलीज होगी? नहीं, मैंने पब्लिशिंग का भी नहीं सोचा था। अच्छा, तो ऐसे ही बस लिख दिए, ऐसे लिख दिए। देन पेरेंट्स सेड कि इसको पब्लिश करवा लेना चाहिए। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है बुक के लिए? रिस्पॉन्स काफ़ी लोगों का इंस्टा पे DMs आया है, इंस्टाग्राम, एंड उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी है, रिलेटेबल है स्पेशली फॉर माई एज पीपल। तो स्पेशली मतलब जो बाकी स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने कहा है कि इट्स वेरी रिलेटेबल फॉर देम। जब आपने बुक लिखी, आपके स्कूल में आप पढ़ते हैं, जहाँ भी आप स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में टीचर्स को भी पता चला होगा, आपके जो साथ के जो फ्रेंड्स हैं उन सबको जब पता चला कि आपने तो एक बुक लिख दी, आपकी वो पब्लिश भी हो गई, तो उन लोगों का रिएक्शन किस तरह का आया? सबने कंग्रेचुलेट किया, काफ़ी अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया फॉर फ्यूचर। और स्कूल में काफ़ी हमारा प्रिंसिपल के साथ मीटिंग थी, असेंबली में प्रेजेंटेशन था, एवरीथिंग, एवरीबडी सपोर्टेड। ओके, अच्छा, जैसे आप बोल रहे थे कि आप लिखना अपने थर्ड स्टैंडर्ड में शुरू किया, पहले पोएम लिखा करती थी और उसके बाद आप स्विच हो गई स्टोरीज पे? नहीं, मैं दोनों लिखती हूँ। अभी भी आप दोनों लिखते हैं, तो मैं चाह रही थी आपकी एक पोएम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हो जाए, कोई भी पोएम अगर आप जो भी सुनाना चाहें, हिंदी और इंग्लिश कोई भी चलेगी। माई पेजेस ब्लीड ऑफ द वंस आई हैव टर्न इन टू पोएट्री, माई पेजेस हैव बीन स्टोक्ड बाय द वर्ड्स आई वॉज टू अफ्रेड टू स्पीक, माई पेजेस ब्रिम विथ लव फॉर हाउ ही कैरीज मी। Now don't tell me that these dichromatic words can't break or these words can't heal. Which are? Its title is Dreamer. I could have sworn my face was a painting of utter silence. The air around me feral and mindless. My hair an inky stream beseeching me for the pluck, the fire, the heart that sang to me for love. And that was when the night sky in me was awoken. The stars danced and reveled,
above the heated land that was broken. So I accepted the starry crown and let my bleary eyelids fall over fantasy. Oh, don't you know, it takes strength to dream. Yet here I was greedier. Here stands the dreamer. बहुत अच्छा लिखती हैं आप, लेकिन आपको ये लिखने की जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिली? अपने आप आ जाता है, just comes to me. वो अपने आप आता है आपका, लेकिन लगता है ना कहीं हम किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं अपनी लाइफ के अंदर. तो आप भी कहीं से किसी से इंस्पायर रही? पापा, डैड प्रॉब्ली, बिकॉज वो भी लिखते हैं तो शायद उन्हीं को देखते देखते इंटरेस्ट पीक हो गया, डेवलप हो आपका. और वैसे पढ़ने का शौक है, आप किसी की पोएम वगैरह पढ़ती हैं, राइटर्स वगैरह में आपको रीडिंग का शौक? किस तरह का आपको ज़्यादा रीड करना पसंद आता है? मैं हर तरह की जॉनर रीड करती हूँ. आई रीड रियलिस्टिक फिक्शन, नॉन फिक्शन थोड़ा कम, बट फैंटेसीज सारी तरह. मुझे फिक्शन आपने लिखा है, तो फिक्शन का आइडिया कहाँ से मिला? आपने ये क्यों सोचा कि मुझे फिक्शन में ही कुछ लिखना चाहिए? क्योंकि फिक्शन में ही इंटरेस्ट था, रीडिंग में भी तो राइटिंग में भी. नॉन फिक्शन ज़्यादा ना पढ़ा ना लिखा है तो. अच्छा, जैसे आप बोल रहे थे कि आप पोएम भी लिखते हैं, आपने पोएम सुनाई भी अपनी, तो आपने पहली बुक तो आपकी स्टोरी की हुई, तो अभी सेकंड की कुछ प्लानिंग है आपकी कि आगे कोई और बुक आने वाली है? मेरे पास पोएम्स बहुत है, तो आई एम थिंकिंग कि उनको कंपाइल कर लें. तो अगर वो कंपाइल हो जाती है तो विल सेंड देम टू सम पब्लिशिंग हाउस. ओके, फ्यूचर प्लान्स क्या है और क्या सोचा है, इसके अलावा क्या करने वाले हैं आप? इसके अलावा अगर कोई आइडिया आता है तो नई बुक लिखना स्टार्ट कर दिया, बट आइडिया आना पड़ेगा फॉर दैट. ओके. अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी देवांशी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं शी लीड्स फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं देवांशी से. फिक्शन लेखन करने वाली देवांशी को कविता लिखना भी बेहद पसंद है. हालांकि उनकी पहली बुक का फिक्शन स्टोरी है, लेकिन उनकी कविता की पुस्तक भी जल्द ही प्रकाशित होने वाली है. तो चलिए रुक करते हैं देवांशी से बातचीत की ओर. देवांशी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप पोएम लिखते हैं तो पोएम की बुक पब्लिश करवाएंगी. अब मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगी, आपकी स्कूल, आपकी हॉबीज, आपकी एजुकेशन, उन सब के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए. आपकी फैमिली में कौन कौन है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी. न्यूक्लियर फैमिली है, आई माय डैड, मॉम, मेरा भाई है, यंगर ब्रदर और नानी है. ब्रदर आपके क्या करते हैं? वो तो फोर्थ में. तो आपके फादर पोएट है, तो मम्मी भी को भी शौक है लिखने का या कुछ इस तरह का? नहीं है. क्लास आपकी कौन सी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं और कौन सी क्लास में भी आप हैं? MGD महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल. मैं 11th में हूँ. आगे जाके क्या सोचा है, फ्यूचर में क्या बनना है आपको आगे जाके? क्योंकि अब 12th स्टैंडर्ड में आते ही एक चूज करने के लिए ऑप्शन आ जाता है कि हाँ मुझे किस लाइन में बढ़ना है, तो आपका क्या है? ऑक्यूपेशन नहीं डिसाइडेड है, बट कोर्स जो परस्यू करना है दैट आई हैव डिसाइडेड. सो प्रॉब्ली इंग्लिश लिटरेचर और इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर इज एवरी एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग. इस तरह का आपने सोचा हुआ है. तो पापा मम्मी की तरह से जैसे आप अपनी पोएम लिखती थी, आप लिखती हैं, तो सबसे पहले पोएम आप किसको दिखाती हैं? पापा को दिखाती हैं, मम्मी को दिखाती हैं, क्या करते हैं? दोनों को नहीं दिखाती हैं. दोनों को नहीं दिखाती हैं, मतलब पापा से भी आप बिल्कुल ये नहीं लेती हैं कि हाँ पापा आप देखिए मेरी पोएम? पापा खुद लिखते हैं कि एटलीस्ट आप देखिए वो किस तरह से उनका रिएक्शन क्या होता है, वो कुछ नहीं बता रहा था आपको? अच्छा ठीक है. कुछ सिलेक्टिव पोएम्स उन्हें दिखाती हूँ. ये क्या, ये रीजन क्यों है कि बस सिलेक्टेड दिखाई जा रही है, बाकी छुपाई जा रही है? पर्सनल होती है पोएम्स. अच्छा, पोएम भी पर्सनल होती है? फिर तो मैं मतलब मैं बोल नहीं सकती आपको कि अपनी कोई पर्सनल पोएम आपने हमारे व्यूअर्स को सुनाए. पोएम्स पर्सनल होती है, कुछ क्लोज फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं. बहुत कम क्लोज फ्रेंड्स उनको पढ़ा देती हूँ. ओके, अच्छा अभी हमारे दर्शकों को आप कौन सी पोएम सुनाना चाहेंगे? अगर मैं बोलूँ आपको कोई भी पोएम आप अपनी सुनाएं, तो कोई पोएम है आपके पास ऐसे जो आप हमारे व्यूअर्स को सुना सके? एक फोर लाइनर है. हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, फोर लाइनर, फोर जी, बिल्कुल बिल्कुल. एक वर्स की पोएम है. डीप एंड डार्क एंड लॉस्ट एट द बॉटम ऑफ द सी वेयर ऑल लाइफ इज ऑस्ट्रेसाइज्ड आई फाइनली फाउंड पीस. वाह, गुड.
कुछ और, मुझे लग रहा है कुछ और भी लिखी हुई है आपके बस 4 लाइनर्स और भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ से। तो उनको क्यों छुपा रही है, वो भी सुना दो। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा फ्यूचर पर जैसे आपने बताया कि आपने सब्जेक्ट तो आपने डिसाइड कर लिया है, पढ़ाई की मैं बात करूँ तो आपको जैसे स्कूल में आपका काम है, होमवर्क वगैरह सब आपको मिलता होगा, तो घर पे कौन मदद करता है? मम्मी की मदद लेती हैं, पापा की मदद लेती हैं, या खुद करती हैं सारा काम अपना? मम्मी सारा काम करती हैं। मम्मी करती हैं या करवाती हैं? मम्मी करती है सारा। अगर आपके स्कूल वाले ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि अपना होमवर्क आप खुद नहीं कर रही हैं। वो बहुत होता है, इट्स अननेसेसरी, तो मम्मी कर देती है सारा। अच्छा ऐसा है, ओके। अच्छा अभी तक जैसे आपने पोएम्स लिखना शुरू किया तो कहीं किसी मंच पर कभी आपने कुछ कोई अपनी कोई पोएम बोली हो या इस तरह का कुछ परफॉर्मेंस वगैरह भी आप देते हैं या नहीं देते? स्कूल में स्लैम पोएट्री के इवेंट्स होते हैं, इंटर हाउस या इंटर स्कूल, तो उन कॉम्पिटिशन में स्लैम पोएट्री होती है, तो दैट्स व्हेयर आई डू इट। और तो कहीं नहीं। हर साल जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल होता है, उसमें काफी सारे बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। आपका कुछ प्लान है, आपने कुछ सोचा है कि मैं अगले साल जो नेक्स्ट ईयर लिटरेचर फेस्टिवल होगा उसके लिए मैं भी पार्टिसिपेट करूँ? बुक आती है तो वहाँ पे लॉन्च प्लान कर सकते हैं हम लोग, अगर नहीं तो लाइक इस साल हमने किया था, वी वेंट, वी इंटरैक्टेड विद पीपल और बुक के बारे में बताया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, सो दैट्स समथिंग वी कैन डू। अच्छा वर्ल्ड बुक फेयर में किस तरह का एक्सपीरियंस क्या रहा? वहाँ काफ़ी सारे राइटर्स भी आपको, पोइट्स आपको मिले होंगे, उनसे भी आपकी कुछ बातचीत हुई होगी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। वर्ल्ड बुक फेयर में तो हमारा एक स्टॉल था, तो वहाँ पे लॉन्च हुआ था, सो हमने लोग गैदर किए थे पहले, तो एवरीबडी केम, फिर हम लोग कॉपीज फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करे थे इन एक्सचेंज की वो इंस्टाग्राम या फेसबुक में टैग करके पोस्ट डालें, जिससे पब्लिसिटी एक्ट, और जो उसी पब्लिशिंग हाउस के ऑथर्स थे उनसे बात हुई थी, तो वो लोग बस यही कह रहे थे, यू वेरी यंग, दैट्स सो गुड, कीप डूइंग दिस। वहाँ से आप यहाँ पर आए, जैसे जयपुर वापस आप आए यहाँ पर, तो यहाँ पर किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? आपने पूरी दिखाई लोगों का पब्लिशिंग, तो वो ही सेम मिलता है, यू नो, यू सो यंग, दैट्स सो गुड। एंड और जैसे GLF में आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो पब्लिशिंग हाउस से ही थे, सो दे गेव मी देयर कार्ड्स, उनसे कॉन्टैक्ट करने को कहा, कोई फ्यूचर प्लान हो, कोई फ्यूचर बुक हो तो उसके लिए आई कैन कॉन्टैक्ट देम। आपके अंकल बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपका भी कोई प्लान व्लान तो नहीं है कि अगर मौका मिलता है तो वहाँ जाने का? नॉट रियली, स्क्रिप्ट राइटिंग ट्राई कर सकते हैं कभी, या म्यूजिक, बिकॉज आई एम इनटू म्यूजिक एज वेल, तो अगर वो होता है तो, बट नॉट एज सच कोई प्लान, इस तरह का कोई प्लानिंग्स नहीं, प्लानिंग नहीं है। अच्छा मम्मी पापा की तरफ से कितना सपोर्ट आपको मिला इन सब चीज़ों में लिखने में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उन्होंने कभी मना नहीं किया, इन फैक्ट जस्ट दे हैव अपलिफ्टेड मी और जो भी है सिचुएशन एंड माई टैलेंट, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पब्लिशिंग हाउस भी, इट वॉज ऑल मॉम्स आइडिया, मम्मी का आइडिया था, फिर उन्होंने सारे पब्लिशिंग हाउसेज ब्राउज किए, फिर एक सिलेक्ट किया, फिर बात की, एवरीथिंग वाज डन बाय हर। बैलेंस कैसे बना पाती हैं? लिखना भी है आपको, पढ़ाई भी, आपकी स्टडी भी है, और जैसे जैसे आप हायर क्लास में आएंगे आपकी पढ़ाई भी और टफ होती जाएगी, कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा, कैसे बैलेंस करेंगी दोनों चीज़ें? राइटिंग तो जब आती है दिमाग में तो आई डू इट देन ओनली। अब राइटिंग का आइडिया, इवन इफ आई गेट इट इन द क्लास, तो मैं क्लास में पढ़ाई छोड़ के वो लिख दूंगी, बट ऐसा नहीं है, द आइडिया इज हर वक्त नहीं होता दिमाग में, इट कांट बी इन माई हेड ऑल द टाइम, तो बहुत कम टाइम आइडिया आता है तो उसको बस उसी वक्त नोट कर लेती हूँ, ऐसा चीज हो जाता है टाइम मैनेज। ऐसा कभी हुआ जैसे आप बताए थे कि स्कूल में पढ़ाई करते हुए क्लास रूम में आपको आइडिया आया और आपने नोट डाउन करना शुरू कर दिया, उधर टीचर ने आपको आवाज़ दे दी कि देवांशी बताओ मैंने कुछ सौ को इस क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई, ऐसा भी कभी हुआ आपके साथ? ऐसा हुआ तो नहीं है कभी, बट मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज लाइक मेकिंग समबडी रीड माई पोएम, तो मैम ने देख लिया, उन्होंने डांट दिया था। अच्छा, स्कूल में सबको पता है कि आप लिखते हैं, स्कूल की तरफ से, स्कूल के जो आपके टीचर्स हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, उनकी तरफ से किस तरह का आपको सपोर्ट मिला? उन्होंने स्कूल में पब्लिसिटी में हेल्प की थी, तो लाइक जो टीचर्स थी दे वाउच्ड फॉर और लॉन्च इन दी स्कूल की बैसाखी के फेस्टिवल बहुत बड़ा होता है स्कूल में, तो उसमें कुछ हो जाए, एंड लाइक दे सपोर्ट, दे रेड दी बुक, खरीदी है सबने, और
एनकरेज करते रहता है ऑल द टाइम। ओके, अब समय है एक और एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देवांशी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए पत्रकार टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं शी लीड्स फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं देवांशी से। तो चलिए रुक करते हैं देवांशी से बातचीत की ओर। यहाँ हमारे साथ देवांशी के फादर भी मौजूद है, उनसे भी हम थोड़ा सा देवांशी का जो लिखने का उनकी जो आर्ट है, कला है, उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रकार टीवी पर। इन्हें लिखने का जो शौक है, ये जो मुझे बता रही थी कि बचपन से थर्ड स्टैंडर्ड से ये लिख रही है, आपको कब ये लगा कि हाँ ये वाकई में इतना अच्छा लिखती है कि बुक भी पब्लिश हो सकती है? एक्चुअली इस बात का पता हम लोगों को करीब, मुझे तो खास तौर से एक साल पहले ही पता चला जी। शी कम्प्लीटेड हर बुक और इसने बताया, बीच में इसने पोएट्रीज अपनी शेयर करी थी जी, मुझको दिखाती थी कई बार। इट वॉज इन इनकी कविताएं सारी, जैसे मैं हिंदी में लिखता हूँ ये इंग्लिश में लिखती हूँ। हाँ जी। सो पैटर्न बहुत डिफरेंट था मुझसे लिखने का और बट द क्वालिटी वॉज रियली गुड। थॉट जो भी उसमें इन्वॉल्व था विचार बहुत अच्छी तरह से प्रकट किए थे। सो ये तो लग रहा था कि इन फ्यूचर शी कैन ऑप्ट फॉर राइटिंग एज अ करियर ऑल्सो एंड के तौर पर। लेकिन जब वो फाइनली एक दिन सडनली मेरी वाइफ ने बताया कि देवांशी ने अपनी किताब नॉवल पूरा किया है, तो सुन के मुझे थोड़ा सा आई वाज सरप्राइज, मतलब इतना पता भी नहीं चला और वो किताब तैयार। हाँ जी, जी जी। और जब वो किताब पढ़ी, कुछ उसके अंश पढ़े और हम लोगों ने एक दो और जो साहित्य से जुड़े हुए लोग थे उनसे डिस्कस किया, उन्होंने भी उसको पढ़ा तो उन्होंने कहा कि इसको आपको पब्लिश कराना चाहिए और फिर फाइनली उस पर हमने काम किया और किताब। सर जो अब बुक पब्लिश हो चुकी है तो थोड़ा सा मुझे बताइए किस तरह का रिस्पांस, किस तरह का आप लोगों को मिला है? वो पहली बुक है आपकी डॉक्टर की जो एक्चुअली किताब जो है ऑनलाइन सेल हो रही है जी, और इनिशियली अच्छा रिस्पांस भी मिला है, बिकी भी अच्छी है जी। एंड अभी इट्स इन इनिशियल स्टेज, अभी उसके और प्रमोशन वगैरह हम जी बिल्कुल समर्स में, बिकॉज शी वॉज बिजी विद हाई स्कूल 10th एग्जामिनेशन बोर्ड के थे, तो अब ये फ्री हो गई है, रिजल्ट्स आर आउट, तो अब हम इसका थोड़ा सा रीडिंग सेशंस वगैरह एक दो जगह बात हुई है वो करेंगे और जो भी पॉसिबल होगा प्रेस में और जो साहित्यकार हैं जो बड़े बड़े उनसे मिलना, उनको किताब देना, ये सब हमारे। और सर आपकी बुक कब आ रही है? नेक्स्ट बुक आपकी कब आ रही है? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस ईयर। ठीक है, ये जैसे इन्होंने बताया कि ये तो ये जो बुक थी इनकी स्टोरी वाली फिक्शन लिखा था इन्होंने, नेक्स्ट बुक इनकी का कुछ प्लानिंग है आपकी? जी, ये पोएट्री भी लिख रही है, कविताओं की किताब इनकी तैयार है। अच्छा जी। मैंने इनको कहा है कि थोड़ा सा इसमें जो भी फाइनल करना हो एडिटिंग वगैरह वो सब करने के बाद उसको फिर हम लोग जो बड़े पब्लिकेशन हाउसेस हैं उसमें उसका स्क्रिप्ट भेजेंगे जी और फिर उसका रिस्पॉन्स देते हैं। सर ये तो सारा हुआ इनका लिखने से रिलेटेड, बाकी इनकी हॉबीज वगैरह, इनके इंटरेस्ट और क्या है लिखने के अलावा, क्या पसंद करते हैं? लिखने के अलावा एक्चुअली जो मेन जो मैंने रियलाइज किया शौक जो है वो पढ़ने का है। शी हैज हर ओन लाइब्रेरी, बहुत बुक्स रखी है एंड मैं सरप्राइज होता हूँ कि इतनी बुक्स ये ऑलरेडी पढ़ चुकी है। तो ये ही मेन शौक है और राइटिंग का है। सो मोस्टली पढ़ाई के अलावा मैंने इसको यही करते थे। डिबेटिंग तो यस, दिस इज हर अनदर एस्पेक्ट ऑफ राइट, मतलब शी इज डूइंग प्रीटी वेल इन दैट। वो स्कूल की एलजीटी में को रिप्रेजेंट करती है कई जगह और शी इज डूइंग वेरी वेल इन दैट। देवांशी मुझे बिल्कुल सच सच बताना, इसलिए मत बोलना कि पापा यहाँ बैठे हैं, ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग आपकी किससे, पापा से है? अपने ज्यादा करियर आप किसको मानते हैं, मम्मी को या पापा को? मम्मी के साथ ज्यादा फ्रेंक हूँ बट पापा स्ट्रिक्ट नहीं है, मम्मी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अच्छा, पापा स्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन फिर भी मम्मी से ज्यादा क्लोज है, इसकी वजह क्या? ये ऐसा होता है क्या? जनरली तो होता ही है कि जो डॉटर्स होती है वो पापा के ज्यादा क्लोज होती है।
मम्मी से बातें शेयर करने का। एक्चुअली हम दोनों कम बोलते हैं तो विचारों का आदान प्रदान कम होता है, जो मदर के साथ बहुत आसानी से शी कैन कम्युनिकेट व्हाटएवर शी हैज इन हर माइंड एंड जो भी उनकी कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी उसके साथ बैठक करता है। अच्छा, जो फ्री टाइम आप कभी आपको मिलता है तो वो आप लोग किस तरह से स्पेंड करते हैं? पूरी फैमिली कहाँ कहीं आउटिंग पे ले जाते हैं या क्या क्या करना ज्यादा अच्छा लगता है? शॉपिंग, मतलब पापा का पर्स जो है वो आप खाली करवाते हैं? बट शी इज नॉट, मतलब ये बहुत महंगे शॉप नहीं है खरीदने के जी, शी इज वेरी सेलेक्टिव एंड बजट देख के ही खर्च करती है, ये एक और क्वालिटी है जी। अच्छा सर, जैसे ये इनको लिखने का इतना शौक है तो करियर का आपने क्या सोचा है? क्या इनका करियर इसी फील्ड में आप सोच रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए या कुछ? एक्चुअली हमने शुरू से ये कोशिश करी कि हम इंटरफेयर ना करें, गाइड करें जी। तो धीरे धीरे जो इसको लगा कि मैं जिस सब्जेक्ट को लेना चाहती हूँ, तो हमने कभी ये नहीं कहा कि यू हैव टू गो फॉर साइंस सब्जेक्ट्स ओनली, जो अच्छा लगे। तो धीरे धीरे इसने इन नाइन्थ ओनली शी हैड डिसाइडेड कि शी विल गो फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो है एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एंड उसमें ये करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और राइटिंग एक जरूर ऑप्शन रहेगा इन फ्यूचर, जो भी ये करियर ऑप्ट करती है उसके साथ राइटिंग चलती रहेगी, ये प्लान है। फुल टाइम राइटिंग में आना इट विल डिपेंड ऑन हर कि ऐसा करना है। आपकी तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट इनको मिला है? कोशिश रहती कि हम एटलीस्ट इनको प्रेशर ना दें, जी जी बिल्कुल फ्री छोड़ें, कि क्योंकि पेरेंट्स के दबाव में आके कई बार बच्चे वो डिसीजन नहीं लेते जो वो लेना चाहते, जी बिल्कुल, वो बहुत बड़ा इशू है क्योंकि फ्यूचर इनको खुद ही हैंडल करना है जी। तो ये ध्यान रखा हमने। सर जैसे अब इनका 11th स्टैंडर्ड में ये है, जैसे जैसे ये वही मैं इनसे भी बात कर रही थी कि जैसे जैसे हायर स्टडी में होंगे इनका जो पढ़ाई का लोड एक तरह से इनके ऊपर बढ़ेगा जी, तो आपको लगता है दोनों चीजें एक साथ किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? एक दो चीज वेरी हार्ड वर्किंग एंड जो मैंने आपको बताया कि इनके शौक लिखने और पढ़ने का है, तो जो भी फ्री टाइम मिलता है मोस्टली शी यूटिलाइज्ड इन लाइक राइटिंग एंड रीडिंग। सो मुझे ये कहीं लगता है कि एक दो घंटा निकालना मुश्किल नहीं रहेगा इसके लिए, शी कैन गो फॉर राइटिंग। एंड अगर एक नॉवल पे भी काम करती तो एक दो घंटे भी अगर देती है राइटिंग को तो बहुत है मेरे हिसाब से, 10-15 पेजेस एक दिन में अगर नॉवल लिखता है बहुत होता है जी, जी। तो एक किताब कुछ महीनों में तैयार हो सकती है। कैसे फ्यूचर क्या देखते हैं आप इनका? आप यही बैठी हैं इनके सामने जी, मैं पूछ रही हूँ क्या लगता है आपको फ्यूचर क्या रहेगा? फ्यूचर मतलब अभी तक जो इनके मार्क्स आए हैं एंड जो फोकस है, शी इज वेरी डिसिप्लिन फॉर स्टडीज, तो मुझे लगता है फ्यूचर में जो भी इसने सोचा है शी विल अचीव दैट एंड मे बी इन जो अभी तक लग रहा है जो IR है इंटरनेशनल रिलेशंस जो मेन सब्जेक्ट ये चाहती है लेना इन ग्रेजुएशन एंड PG, तो मुझे लगता है बहुत आगे रास्ता आसान है जी। सर मैं एक मैसेज चाह रही थी आपसे, जिस तरह से आप लोग सपोर्ट करते हैं अपनी डॉक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं आप, इन्हें हर पेरेंट्स नहीं कर पाते या कुछ नहीं भी करते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाने की बात ही करते आ रहे हैं जी, ऐसे लोगों को क्या आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी ये देख कर सुन के दुख होता है कि ऐसी बातें हमको करनी पड़ रही है बचाने की, बिल्कुल बिल्कुल सर, जबकि देश कहाँ से कहाँ बहुत से पहुँच चुके हैं, फीमेल्स आर डूइंग सो वेल, बिल्कुल बराबर है आदमियों से, कहीं आगे भी जा रही है और बराबरी से काम कर रही है। मुझे लगता है अब वो बेटी बचाओ आंदोलन तो मतलब उसका धीरे धीरे उसको उस मुकाम पे पहुंच जाना चाहिए जहां वो बात ही नहीं होनी चाहिए। बेटियों को तो कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कहां उनको पहुंचाना है, वो समर्थ है उसमें जी, बिल्कुल सब करने में समर्थ है, बस वो पेरेंट्स का सपोर्ट और पेरेंट्स को माता पिता को कभी ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि समाज क्या कह रहा है। समाज आपको कुछ नहीं देने वाला, आज आपके घर की रोटी आप ही खुद कमाते हो, अगर आप समाज पे समाज का इतना डर रखेंगे तो
वो कुछ नहीं करने वाला जी, बिल्कुल। इसलिए बेटी और बेटे का फर्क ही खत्म हो जाना चाहिए अब तक। मतलब ये बात मेरे हिसाब से डिबेट का ही एंड होना चाहिए। सारे पेरेंट्स को उस इतने ज्यादा मतलब दृढ़ उस पे पहुंचना, स्टेबल एक धरातल पे पहुंचना चाहिए कि वो बात देवांशी पापा यहाँ बैठे हैं, मैं चाह रही थी पापा के सामने एक पोयम, आप अपनी कोई भी पोयम, ऐसी पोयम जो आपने अभी तक सीक्रेट रखी है वो भी सुना सकते हैं, लेकिन एक पोयम आप जरूर सुनाइए। शुरू शुरू तो सारी पर्सनल पोयम सुना, पर्सनल पोयम सुना दो, पापा को तो सुना सकते हो। एंड व्हेन आई लुक्ड एंड गेज्ड द फैथमलेस डेप्थ्स ऑफ द स्काई, माय हार्ट एक्ड लाइक अ बटरफ्लाई विद टॉर्न विंग्स। It was a free verse, rhyming नहीं था यार, it's a free verse, one verse poem. Okay, बहुत अच्छे। अब मैं चाह रही थी चलते चलते, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का टाइम भी ओवर हो रहा है, चलते चलते पापा को आप कुछ कहना चाहें, अपने पापा को कुछ भी, जो भी आप कहना चाहते हैं। पापा के साथ बातचीत आपकी कम होती है, मम्मी से ज़्यादा क्लोज है, लेकिन यहाँ पापा साथ में बैठे हैं, कुछ भी आपकी जो भी फीलिंग्स है अपने पापा के लिए वो एक बार ज़रूर शेयर करें। पापा इज द बेस्ट, और हाँ मतलब मम्मी से ज़्यादा बात होती है, बट पापा से कोई टैंजिबल सा बॉन्ड है, क्योंकि बिकॉज ऐसा लगता है कि जीन ज़्यादा इनहेरिट उस तरफ से हुआ है, बिकॉज वी वेरी सिमिलर, तो काफ़ी चीज़ें कनेक्ट हो पाती है हमसे। आपके फादर इमोशनल हो रहे हैं। नहीं, आई नो दैट शी हैज एन इनहेरिटेड सो मेनी कैरेक्टर्स एंड अदर क्वालिटीज, और वो भी हमें उसकी जो पोएट्रीज है वो भी हमें पढ़ने का मौका मिला। शुक्रिया आपका। तो आज जयश्री लीड्स फैमिली शो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और अन्य मेहमान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए पत्रकार टीवी के साथ। नमस्कार।